नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लॉरेंस किस्कू। आप सभी का स्वागत करता हूं किस्कू ऑनलाइन हेल्प चैनल पर। हेलो दोस्तों, आपने मध्य प्रदेश 12वीं क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम दिए हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। हम आपको बताएंगे कि आप अपने रिजल्ट कैसे और कहां से चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा ट्यूटोरियल बताएंगे छोटे से इंटरवल के बाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं सबसे पहले हमारा वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, आप 12वीं का रिजल्ट भी इस तरह चेक कर सकते हैं, mprizult.nic.in2019 लिख दीजिएगा, सर्च करिएगा गूगल पर, फिर यहाँ पे देखिए। जो फर्स्ट पहले नंबर पे आपको जो वेबसाइट का जो दिख रहा है आपका mprizult.nic पर भी आप क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे देखिए दोनों को आपको दिख रहा है, HSC 10th रिजल्ट और HSSC 12th एग्ज़ाम, ये 2018 का दिखा रहा है, 2018 का है ये देखिए। जो यहाँ पे जिस दिन अनाउंसमेंट हो जाएगा 15 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो तब यहाँ पे 2019 लिखा आएगा, तो आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं 2019 का, इस साल का रिजल्ट। तो अभी ये 2018 का दिखा रहा है, तो यहाँ पे इंटर योर रोल नंबर इसी तरह का आपका इस साल का भी आएगा, इंटर योर रोल नंबर और इंटर एप्लीकेशन नंबर, बाद में फिर सबमिट करके आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ये 10वीं का हुआ, 12वीं का भी इसी तरह है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे इंटर योर रोल नंबर, 9 डिजिट का आपका रोल नंबर होगा और इंटर एप्लीकेशन नंबर, 8 डिजिट का आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, फिर सबमिट करके फिर बाद में आपका रिजल्ट आपको डिस्प्ले हो जाएगा अपने स्क्रीन पर। ये तो हमने ऑफिशियल वेबसाइट बताया आपको रिजल्ट चेक करने का, जिस दिन रिजल्ट आएगा तो इस वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हो, और जिस दिन रिजल्ट आएगा ये भी हम आपको बताते हैं नीचे टाइम ऑफ इंडिया के अनुसार। ये देखिए यहाँ पर भी 12th का ही है, 10 तारीख को इन्होंने अपना एमपी बोर्ड 12th रिजल्ट MPBSEHSE रिजल्ट एक्सपेक्टेड टू बी आउट नेक्स्ट वीक ऑन एमपी रिजल्ट, मतलब दूसरे सप्ताह तक आने की संभावना है आपके रिजल्ट आ जाएगी। ये देखिए मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इज लाइकली टू रिलीज द एमपी बोर्ड 12th रिजल्ट ऑन बिफोर मे, मतलब 15 तारीख से पहले, 15 मई से पहले आपका रिजल्ट अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। वन रिलीज द स्टूडेंट विल बी एबल टू चेक एंड डाउनलोड, मतलब आप चेक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं एमपी रिजल्ट बोर्ड क्लास 12th, मतलब 12वीं का रिजल्ट एमपी बोर्ड का, मतलब मध्य प्रदेश, फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट। आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक जाकर चेक कर सकते हैं। ये देखिए mpbse.nic, ये देखिए यहाँ पे, और द स्टूडेंट कैन विजिट mprizult.nic पर भी जाके चेक कर सकते हैं। दूसरा, द बोर्ड हैज़ कंटेक्टेड क्लास 12th एग्ज़ाम फ्रॉम मार्च, मतलब आपने अपना एग्ज़ाम 3 मार्च से लेके 2 अप्रैल तक आपने दिया था, तो अप्रॉक्सीमेटली 7 लाख स्टूडेंट रोट क्लास 12th एग्जामिनेशन दिस ईयर, मतलब इस साल कितने 7 लाख विद्यार्थी ने अपने एग्ज़ाम दिए हैं 12वीं क्लास के लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर के कितने थे। ये देखिए 2018 में आपने ये एग्ज़ाम दिए थे, मतलब 2018 का है, तो हम आपको पूरा डिटेल बता रहे हैं। ये सब वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं अपना रिजल्ट। ये 12वीं का रिजल्ट है दोस्तों, ओपन ऑफिशियल पोर्टल ऑफ एमपी बोर्ड mpbase.nic होम पेज, इस फिर रीडायरेक्ट ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, दूसरा वेबसाइट पर लेकर चलते हैं। ये तो हो गया टाइम ऑफ इंडिया, जागरण जोशी के, इनका भी देख लेते हैं इन्होंने क्या अपने आर्टिकल में क्या लिखा है, इनका सबका अलग अलग न्यूज़, इन्होंने तो अभी अपना अपडेट नहीं किया है लग रहा है, इन्होंने अपडेट नहीं किया है, दूसरे वेबसाइट पे चलते हैं, इन्होंने अपडेट नहीं किया है। इंडियन एक्सप्रेस का हो गया, टाइम ऑफ इंडिया, इतना ही था दोस्तों। और आप इंडिया रिजल्ट इस पर भी जाकर चेक कर सकते हो, इंडिया रिजल्ट इससे भी सबसे पहले आता है, INDIA इंडिया साथ में लिख के RESULT इंडिया रिजल्ट .in, फिर यहाँ पे स्लैश दे के आप MP लिख दीजिए, तो आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मिस्टेक हो गया, बाय मिस्टेक हो गया दोस्तों, सॉरी, दो बार थोड़ा कीपैड काम नहीं कर रहा है,
ये देखिए यहाँ पे सर्च कर देते हैं तो यहाँ देखिए इंडिया रिजल्ट डॉट, ये एमपी का हम आपको दिखाएंगे, इंडिया रिजल्ट एम मध्य प्रदेश। तो ये देखिए हम यहाँ पे सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद ये देखिए यहाँ पर भी आपको रिजल्ट आप अपना देख सकते हैं, आपका रिजल्ट यहाँ पर भी डिस्प्ले हो जाएगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा तो यहाँ इस वेबसाइट पर भी आप डायरेक्ट जाके आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इसी वेबसाइट पर आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। आप mprizult.nic.in पर जाओगे तो वहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट में उस पर आप चेक नहीं कर पाओगे क्योंकि वहाँ पे सर्वर प्रॉब्लम होगा। तो हम इसीलिए आपको बार बार बता रहे हैं कि इस वेबसाइट पर चेक कीजिएगा, इंडिया रिजल्ट डॉट ऐसा डालिएगा, indiarizult.in/mp लिखिएगा, तब आप बाद में इस वेबसाइट पर डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जाएंगे, आप अपना मध्य प्रदेश का रिजल्ट चेक कर सकते हैं इस पेज पे। आपको 15 तारीख के बाद दोस्तों जिस दिन भी आएगा, देखिए यहाँ पे टाइमिंग दे दिया है, देखिए यहाँ पे ये देखिए HSC मतलब क्लास 10th एग्जामिनेशन रिजल्ट 2019 विल बी डिक्लेयर ऑन 15 मई 11 बजे, मतलब 15 तारीख को 11 बजे आपका रिजल्ट आपको शो हो जाएगा। एग्जामिनेशन रिजल्ट विल बी डिक्लेयर, और ये 12वीं का रिजल्ट है, HSSC विल बी डिक्लेयर, ये भी उतना टाइम, सब दोनों एक ही साथ आपको यहाँ पे चेक कर सकते हो। देखिए यहाँ पे करेंगे, अभी देखिए कुछ नहीं बताएगा क्योंकि अभी आया नहीं है, जब आएगा तो हम आपको बस दोस्तों इतना ही था, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया है बस। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए इसी तरह दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर।